बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हमको दिखाते हैं कि मैक्रोनी कैसे तैयार की जाती है। ये बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, सबकी बहुत पसंद है। पैन में पानी डाल के ऊपर रख दिया गया है, साथ में नमक डाला गया है, थोड़ा घी डाला गया है। पानी उबाल आने पर इसमें मैक्रोनी डाल दी जाएगी। शिमला मिर्च, प्याज, बंद गोभी, चिकन गोश्त ये धोया जा रहा है, इसको अच्छे से धो लिया जाएगा। पानी का भी उबाल आ चुका है, मैक्रोनी डाल दी गई है। मैक्रोनी को भी दो तीन उबाल आ जाएंगे तो ये पक जाएगी। इसको भी फिर पानी कर दिया जाएगा। उतनी देर में गोश्त डाल देते हैं जितनी देर में मैक्रोनी के उबाल आने हैं। गोश्त को छोटा छोटा काटना है। सब्जी भी काट ली गई है। मैक्रोनी पक के तैयार हो चुकी है। पानी फेंक दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत ही अच्छी तैयार होगी। ये बच्चों की बहुत पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं, ख़ासकर यंग गर्ल भी बहुत शौक से खाती हैं। ये सोया सॉस है, चिली सॉस, सरका, ये भी इसमें जाएगा। केचप ये भी इसमें जाएगी। ये सुरख मिर्च, मोटी मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, शिमला मिर्च काटी गई, प्याज भी काटे गए हैं। ये गोश्त की बुनाई हो रही है। गोश्त की बुनाई अच्छे से की जाएगी ताकि स्मेल जो इसमें ना आए। इसमें लहसुन भी फेंका गया है। इसमें लहसुन जाएगा, उसके बाद फिर बुनाई की जाएगी। अब सब्जियां जाएंगी, गोश्त की बुनाई हो गई है, अब इसमें सब्ज़ी जाएगी। सब्ज़ी की भी बनाई की जाएगी इसके साथ ही। दो से पाँच मिनट तक इसकी बुनाई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही अच्छी मैक्रोनी तैयार होगी जो कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। मैक्रोनी पकने वाली है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आगे भी हमारी रेसिपी शेयर करना ताकि औरों तक भी जा सके। आपकी तरफ से जब कोई व्यू आता है या सब्सक्राइब आता है तो हमारे लिए गिफ्ट होता है, हम भी खुश होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैक्रोनी भी डाल दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब दम पे रखेंगे। थोड़ी देर दम पे इसको रखा जाएगा, उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लुक आई है। खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है कि उंगलियां भी चाटने के बाद भी चाटते रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। मैक्रोनी तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है, ये देखें, बहुत अच्छा टेस्ट बना है, बहुत ही हल्की हल्की स्पाइसी बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रूर पकाएं और ज़रूर खाएं।
फिर आपको इसके टेस्ट का बहुत मज़ा आएगा। आप पका के देखें कितना मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में कोक पिए या चाय पिए, ये आपकी मर्ज़ी है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बहुत प्यारी लोग है, बहुत प्यारी लोग है। अल्लाह पाक हम सबको आखरत की और दुनिया जहान की खुशियाँ अता करें, अपने हिफ्ज़ो मान में रखें। अल्लाह पाक हमें अच्छा बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चों पे हिफाजत करें, हमारे बच्चों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चों को बद नज़रे से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब ये खा के टेस्ट करते हैं, देखें कितना मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, टेस्ट कर लिया गया है, बहुत ही मज़ा आया है। साथ में कोक भी मंगवा ली है, केचप भी इसके ऊपर डाल के खाई जाएगी। आप भी खाएं, ज़रूर खाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। चलती हूँ, अपनी सेहत का ख्याल रखना।